कलीनगर तहसील क्षेत्र में बाघ का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार की रात करीब 2 बजे तहसील क्षेत्र के गांव अटकौना में सुखविंदर सिंह के घर में बाघिन घुस गई। देर रात टॉयलेट करने उठे बच्चों को दीवार पर बैठी बाघिन नजर आई तो परिवार में हड़कंप मच गया। किसान के घर में बाघिन घुसने की खबर ग्रामीणों को ही तो ग्रामीणों की नींद उछड़ गई। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। करीब 5 बजे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, इसके बाद दीवार के चारों ओर जाल लगा दिया गया। मंगलवार सुबह होते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। बाघिन को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया। बाघिन को ट्रैकोलाइज करने के लिए इमरजेंसी में अनुमति मांगी गई। अनुमति स्वीकार होने के बाद बाघिन को ट्रैकोलाइज किया गया। दैनिक भास्कर के लिए पूरनपुर तहसील से आयुष सिंह के साथ सदाम हुसैन की रिपोर्ट। कितने घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा और क्या क्या नियम फॉलो किए गए? बेसिकली हमारा सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है कि इस बाघ को लोकलाइज करें। हमने अर्ली मॉर्निंग इस बाघ को लोकलाइज कर लिया था। हमारे यहाँ पे पीलीभीत की, माला की, हमारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की और पीलीभीत समर ज्वाइन की टीम यहाँ पे आ चुकी थी। जैसे ही हमें लगा कि सिचुएशन नियंत्रण में है और बाघ सपोर्टिव है और क्राउड थोड़ी कंट्रोल में है, तब हमने जो उच्च अधिकारी से परमिशन ली और हमें ट्रैंकलाइज की, जैसे ही परमिशन मिली उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकलाइज किया है। अब इसको सेफली यहाँ से मूव कर रहे हैं। ये कहाँ छोड़ा जाएगा? इसको पहले हम परीक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसकी जैसी कंडीशन होगी और जैसी हमें अनुमति मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और तत्काल बाघ जहाँ पे था उसको घेराबंदी करके लोकलाइज किया गया। उसके बाद से अर्ली मॉर्निंग से हमारा ऑपरेशन चालू है और फाइनली हमने उच्च अधिकारियों से परमिशन ली इसके बारे में, सिचुएशन बताते हुए कि कितनी गंभीर सिचुएशन है, उसको कितना अर्जेंसी में इसको ट्रैंकलाइज करना पड़ा हमें। तो हमने सारे जो उपाय करने होते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं एनपीसी की एसओपी के अनुसार, हमने उस बाघ को ट्रैंकलाइज करके अपने केज में ले लिया है। अब उसको थोड़ा सा उसको निरीक्षण करेंगे, उसका उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जैसा भी ऊपर संदेश मिलेगा उस हिसाब से इस बाघ को भेजा जाएगा। हमने देखा एक घंटे तक रेस्क्यू चला था, उसमें बाघ कई बार आपके जाल से बाहर निकला, कहाँ डांट भी कैसा ही लगाई गई, क्या कहना? देखिए ऐसा है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं जिस हिसाब से डांट लगाई जाती है, बॉडी वेट के हिसाब से डांट लगाई जाती है, क्योंकि ये जो डॉक्टर साहब जो वेट जज करते हैं वो ओकुलरली करते हैं, उनके पास कोई मेथड नहीं होता है कि उनको उसका वेट ले सकें। तो ये हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ही मल्टीपल डार्ट्स में ही हम इसको करते हैं। जो एनटीसीए का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रैकलाइज किया गया है। क्या मान लीजिए कलीनगर क्षेत्र को निजात मिल गया बाघ से? देखिए ऐसा है कि ये बाघ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे बाघों की संख्या काफ़ी अत्यधिक है, तो अक्सर यहाँ पे आसपास बाघों का मूवमेंट लगा रहता है। बट हम ये कोशिश करते हैं कि बाघ की मूवमेंट के कारण किसी भी मानव को क्षति ना पहुंचे, जनहानि ना हो, ये हमारा प्रयास है और हम इस प्रयास में बाघिन कितनी एज की है? अभी ये बाघिन है बट इसका परीक्षण करके हम ओल्ड डिला को बता पाएंगे। अच्छा ये भी सुनवाई है कि ये वही बाघिन है जो जमुनिया से रेस्क्यू हुई थी? नहीं ऐसा नहीं है, ये दूसरी बाघिन है। हमने इसको पूरा जो हमारा प्रोटोकॉल कहता है, हम जब भी किसी बाघ को ट्रैंकलाइज करते हैं उसको पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, उसका पिक्चर लेते हैं और उसकी ओरिजिन कहाँ से वो देखते हैं, तो हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये वो बाघिन नहीं है।